शुक्रिया जो आप देख रहे हैं। अब जो आप हजार हैं और मैं हजार एक, मतलब हम टोटल सारे जितने एक दूसरे को देख रहे हैं बैठ के, तो सीन ये है कि ना आपकी जिंदगी में बेबी बाबा है ना मेरी जिंदगी में, तो हमारे पास कोई गुटर वो चपड़ चपड़ करने के लिए चीज़ें नहीं है। तो आपके लिए मैं आया हूँ और आप मेरे लिए बैठे हैं, तो ये रिलेशन अच्छा है बनिस्बत कटे या कटेगा पर सबका कटेगा। तो अच्छा, तो ये है कि अब क्योंकि हम अकेले हैं, आप जैसे मैं और मेरी तन्हाई, ऐसे आप लोग भी और आपकी तन्हाई, आप लोग भी मतलब मोबाइल स्क्रॉल करोगे बुलाए गए और लारिव लाइव आया तो आप आ गए ना, मतलब और क्योंकि अपने पास ज़िंदगी में काम नहीं है, तो वहाँ पे वहाँ एक नोटिफिकेशन आया हुआ है पागल लाइव आ गया रात में, तो कुछ नहीं कर रहे तो देख लो, क्योंकि आप लोग कुछ नहीं फेसबुक पर स्क्रॉल ही कर रहे होगे, कोई लेम सी वीडियो होगी या कोई अच्छी होगी तो आप हंस गए होंगे, या तो इंस्टाग्राम पर कपल गोल्स देख देख के ना आपको जो है ना गुस्सा आ रहा होगा कि बहन की टांग, मतलब अपनी ज़िंदगी में तो कोई है ही नहीं, ये साला इंस्टाग्राम पर सारा प्यार मोहब्बत भी चल रहा है। तो मैं थोड़ा स्पीकर का सेटिंग कर देता हूँ, एक मिनट मोबाइल ऑफ कर लेते हैं तो सब हो जाएगा, अब आपको शायद आवाज़ आ जाएगी खतरनाक तरीके से। तो फिर आप बोलोगे कि यार मतलब लाइफ में कुछ है नहीं, फिर मीम आ जाती है, फिर मतलब आप जैसे देख सकते हो कि आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा ही प्यार होगा और आपको नहीं। तो नबील भाई दो दिन से घर पर नहीं है, नबील भाई जो है वो कल क्या नाम उसका यार छोटूगा फयाज से घर पर रुके थे, और आज वो अपनी खाला का रुकने के लिए गए फुप्पो के घर में, सो ये सीन है। और अभी जो है पौने चार बजे नींद बिल्कुल नहीं आ रही है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी टेंशन भी है, क्योंकि 100% फिट होना भी ज़रूरी है कल के और परसों के गेम के लिए, क्योंकि बड़े डू एंड डाई सिचुएशन वाले गेम है ये। उन फॉलोअर्स से बात कर रहा हूँ जो गेम शो फॉलो करते हैं, टेंशन है तो आप मुझसे भी सवाल पूछ सकते हैं, मेरा दिमाग अभी चल गया है, तो मैं आपको जो है ना मतलब बोले तो एकदम अच्छी एडवाइस दे दूँगा, बोले तो कूल एडवाइस। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई टेंशन चल रही है तो आप मेरे को बताओ, मतलब मेरे को मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको उस प्रॉब्लम से निकलना है, क्योंकि प्रॉब्लम से निकलने का उपाय जो है ना वो इस दिमाग में, और इस दिमाग में जो है ना वो आपको सब समझा सकता है। हाँ, बहुत अच्छा काउंसलर हूँ मैं, तो कोई सवाल अगर आपके जहन में चल रहा है तो हमको बताओ। और हाँ, अगर आपको ऑनलाइन जॉब करनी है, अगर आप घर में बैठे पॉकेट मनी कमानी है, अगर आप 15 साल की भी 16 साल की भी आप काम कर सकते हैं हमारे साथ, क्यों नहीं कर सकते, जब सब कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। आपने करना ये कि जो मेरी रीसेंट स्टोरी है, मैंने सालिक के नाम बंदे को टैग किया, तो आप उसके पास जाएं, वो आपको सारी डिटेल्स दे देगा, बिकॉज ही इज द वन हु विल बी टीचिंग यू हाउ टू डू ऑल द थिंग्स, कैसे काम करना है, क्या करना है, किस तरह यू कैन अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो आपको अगर जॉब करनी तो अभी आप मेरी स्टोरी पे जाके सालिक को अप्रोच कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अगर आप बच्चे तो भी मसला नहीं है, बस यू शुड नो हाउ टू यूज़ फेसबुक। अच्छा, अब सवाल पूछे मैं आपको उसका जवाब दूँ। यार बेसिकली वी प्रोवाइड कार्पेट क्लीनिंग सर्विसेज इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो यू जस्ट हैव टू डू इज बुक अपॉइंटमेंट्स, वो सारी चीज़ें आपको बता देगा सालिक वंस यू गेट इनरोल्ड विद द टीम, आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन वर्क, इफ़ यू आर नॉट यू कैन लीव, सो इट्स नॉट वी आर टेकिंग एनी अमाउंट फ्रॉम यू कि भाई आप आए पैसे दें तो हम आपको जॉब देंगे, ऐसा नहीं है, हम आपको काम देंगे। और हेलो सिद्रा नकवी, कैसी हो तुम, सोई नहीं है, डू यू हैव टू बी पाकिस्तानी टू डू दैट ऑनलाइन जॉब, नो यू कैन वर्क फ्रॉम एनी वेयर। हेलो, अच्छा तो सवाल मैं आपसे आप लोग के सवाल का वेट कर रहा हूँ। कट्टी क्यों भाई, कट्टी क्यों, कट्टी नहीं हुआ करो यार, मैं एक बड़ा मुश्किल हो जाता है।
सैलरी क्या होगी लारी, यू कैन अर्न फ्रॉम 5,000 to 20,000, ऐसा नहीं कि आपने 5-10 घंटे बैठ के काम करना है, यू जस्ट हैव टू गिव लाइक अप्रॉक्सीमेटली 1 hour a day, बस फिर आपको खुद ही जब काम आता जाएगा तो आप खुद ही ज़्यादा काम करेंगे। मैं दुख में हूँ तुम्हारी यार, थैंक यू। नहीं नहीं यार टोपी नहीं यार, मैं टोपी नहीं। और दूसरा ये कि कल मेरा तकिया आ जाएगा जिस पे मैं फिर सुकून की नींद सोऊंगा। आजकल जो है ना मैं अपने आप पे ही सो रहा हूँ, मतलब ये सारे जितने तकिए हैं ना ये सब मुझे लेना मना है, मतलब ये इनके साथ सोना मना है बेसिकली। तो जो मैं तकिया लेके सोता हूँ ना वो है, पता नहीं कहाँ गया, वो इतना सा तकिया है वो लेके सोता हूँ मैं। और जो मेरा मेडिकेटेड पिलो है, क्योंकि वो अब क्योंकि नसों का और पता नहीं क्या क्या मसले हैं सर्वाइकल के, तो उसके लिए उन्होंने बोला है मल्टीफॉर्म का मेडिकेटेड शशके वाला तकिया लेने का, उसके बाद आपकी ज़िंदगी अच्छी होगी। सही है, शायद डेंजरस प्लेयर है बात से, प्लीज़ वन सिंगिंग और डांसिंग को हटा कर। जी अच्छा जी, अब कौन खाएगा बिरयानी इतनी यार, आप भिजवा दो मैं कल खा लूँ। सो तो हमारा तकिया आ जाएगा मेडिकेटेड तकिया, उसमें से कांटे शांटे निकले, उस पर बोलते सर रखो तो आपको अच्छी नींद आती है, लेट्स सी के कैसी नींद आती है। वेयर इज़ शहीर, शहीर वुड प्रॉबेबली बी एट हिज होम, और कहाँ होगा बेचारा, सो रहा होगा। कल बासित आएगा जी, सब आएंगे कल, आप और माहीन दोस्ती कर लें। अच्छा जी कल लाइव है शो, जी बिल्कुल सब लाइव ही है यार, मतलब लाइव क्यों नहीं होगा शो, आप क्यों टेंशन है। इंशाल्लाह फाइनल आप जीत होगा, आपके मुंह में घी शक्कर अल्लाह आपकी जबान कबूल करें इंशाल्लाह, पूरी नीयत और मेहनत तो है भाई, देखते हैं बाकी अल्लाह के पास, हारना नहीं है। सेम आई नहीं ईशा जी, जी ईशा जी बोल रहे हो यार, मैं पूछ रहा हूँ अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई टेंशन वेंशन है, कोई पूछना है तो मतलब पूछ सकते हैं मुझसे। सिद्रा बोलिए, हाँ यार सिद्रा कैसे लग रहे हैं, मतलब तुम्हें कैसा लग रहा हूँ मैं, क्या मैं ठीक लग रहा हूँ। लारे बाप की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, अच्छा जी जज़ाकअल्लाह। तबीयत कैसी, तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेहतर है, अल्लाह का बड़ा करम है। ये गर्दन यहाँ तक जाती है और ये वाली इधर से आगे नहीं जाती, थोड़ी सी थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है तो दर्द होता है, राइट एक्सट्रीम राइट नहीं हो रही, डाउन नीचे करने में थोड़ी तकलीफ है, बट येस आई कैन मूव माई नेक, बट स्टंट्स वंट्स करना मना है। और वो बोरी वाले बाबू नहीं खेल सकता मैं, क्योंकि यहाँ अगर बॉल पसंद है तो कहीं ना कहीं जर्क आ गया तो मसला हो जाएगा। सवाल है कि ईदी कितनी दोगे, ईदी बता के नहीं दी जाती है, हम ऐसी देंगे तुमको अभी ईदी उतनी पड़ेगी कि माँ आपकी टांग, अभी कमाना पड़ेगा थोड़ा बहुत, मतलब सबको ईदियाँ देनी है। ओए 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 ओए, वेरी बैड, वेरी बैड, नॉट सो गुड हैपनिंग इन द कंट्री। जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं ईदी मिलती कम देनी ज़्यादा पड़ती है, मेरे साथ बड़ा मसला है यार, ये खतरनाक। सर अगर कोई छोड़ के चले जाए और उसकी वजह से आपको एक साल डिप्रेशन में रहा हो और वो अचानक आ जाए सॉरी बोले तो क्या हुआ यार। देखो ये तो शिद्दत पे बेस करता है कि आपको कितना प्यार है उससे, उसको कितना प्यार था आपसे और अब वापस जो आया है तो कितना प्यार है। पर यार एक देखो, जिसने आपको एक साल की डिप्रेशन दे दी और फिर वापस आ रहा है, अगर वो आपको पहले छोड़ के जा सकते तो आगे भी छोड़ के जा सकते, तो बोले तो एकदम गाफ पे लात मारने। कहाँ रहते हो, अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ ये दीवार और ये दिख रहा है यहीं रहता हूँ। सवाल ये है कि आप इतने प्यारे क्यों हैं, अगर मैं आपको प्यार कर रहा हूँ आप क्या कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। सिद्रा मैंने तुमसे बकवास की कि मैं कैसा लग रहा हूँ, वर्दा जावेद हेलो, वर्दा भी अच्छा हेलो वर्दा कैसी हो। माहीन यूज्ड यू फॉर फेम, यार ये इस तरह की बातें ना करो, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, सब ने अपनी तरफ से मेहनत करी और सब अपनी मेहनत से आगे बढ़े। आप कहाँ से आँख मिली हैं भाई, सबकी मेहनत अपनी अपनी है, किसी ने किसी को इस्तेमाल नहीं करना कर सकता। आपको आपको दोस्ती में धोखा क्यों है, बहुत मिले हैं भाई, रोज नई कहानी, रोज नई लेसन मिलता है, पर हम इंसान वही रिपीट करते हैं। प्रेशर नहीं लीजिएगा, बस शातू तो है ही आपके साथ इंशाल्लाह। एक सवाल है मेरा जी, बोले आप इंडिया कब आ रहे हैं यार, पता नहीं मैं इंडिया, पता नहीं घर से बाहर जाने का, पता नहीं इंडिया कहाँ जाऊँगा मैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपके समय बिल्कुल ठीक, बस ऐसे ही खुश रहे हैं आप जी। अच्छा जी आप कितने सिबलिंग हैं, नहीं मैं और मेरे साथ मैं ही हूँ, और मेरे साथ 1400 लोग जाग रहे हैं, गुड यार, सेम आई नेम, हेलो मानू। सो गाइस कोई भी सवाल कुछ भी काम से रिलेटेड किसी चीज़ से रिलेटेड आई कैन हेल्प यू विद इट, आप पूछ सकते हैं मुझसे, मेरा निकाह विकाह नहीं है भाई, शहरोज भाई झूठ बोले, शहरोज भाई को हो गया।
पता नहीं क्या हो गया, वो हर किसी कंटेस्टेंट को थोड़ी बुलाएंगे अपने निकाह में भाई, मतलब कंटेस्टेंट नहीं थे, फैमिली एनवायरनमेंट में निकाह हुआ, हो गया भाई। देखा चलो, थैंक यू बॉस, सुंदरा थैंक यू। डिप्रेशन से कैसे बाहर आए? बड़ा मुश्किल सवाल है आपका। कीप योर सेल्फ बिजी, बहुत सारे ग्रुप सर्कल से दूर हो जाएं, नमाज तो पढ़नी चाहिए, वो तो सबसे पहला प्रायोरिटी, बुक्स पढ़ें, बी इनटू सम क्रिएटिव थिंग्स, कुछ कुछ बनाने बनूने की स्केच वेच, राइटिंग वाइटिंग शाइटिंग, बुक्स वगैरह, तो इस तरह से ध्यान बटा रहता है। कीप योर सेल्फ बिजी एंड यू विल फील ऑल राइट, एंड वेन एवर यू आर फीलिंग बिल्कुल लो, लिसन टू सूर्य रहमान, वर्क फॉर मी। आपके फादर किधर हैं? इधर ही हैं। फेवरेट कलर कौन सा है आपका? पहना हुआ है। हुसैन के बारे में बोलें, हुसैन बहुत अच्छा बच्चा है भाई, क्या बोले उसके बारे में। आपकी कास्ट क्या है? बुजू। फेवरेट प्लेयर इन जी सैगलारे? जो ठरकी इंसान, मैंने आपके खानदान में से किसके ऊपर ठरक जा रही? आपको नेकलेस किसने दिया है? ये आपको, ये मेरी मॉम ने दिया, ये मेरा बर्थडे गिफ्ट था। आजकल आप अपनी लाइव वीडियो चैनल पर नहीं डाल रहे? जी बिल्कुल नहीं डाल रहे, क्योंकि मैं लाइव इतना आ ही नहीं रहा हूँ। हम मोबाइल से कैसे दूर रहें? यार बेसिक चीज़ बताऊँ, अगर आप आईफोन यूज़र हो ना, तो आईफोन में डार्क मोड है, डार्क मोड बोलो, नाइट मोड है ना, नाइट मोड से जो है ना येलो वेरियंट की लाइट्स आ जाती हैं आपका मोबाइल की, जो मतलब अभी अगर आप लेआउट आप देख रहे हो ना कलरफुल है, तो वो येलो हो जाएगा, क्योंकि जो ब्लू टोन लाइट होती है ना उसकी वजह से हमें नींद नहीं आती, वो आपको जगा के रखते, जब तक आपकी आँखें दर्द नहीं होगी, थकती नहीं, तब तक आप जो है ना मोबाइल यूज़ करते रहते हो, तो जब येलो लाइट होगी ना तो आप खुद ही मोबाइल साइड पर फेंक दो और सो जाओगे। आपकी फेवरेट हॉबी क्या है? किताबें पढ़ना। भाई आपको स्पाइडरमैन क्यों पसंद है? बस पसंद है यार, स्पाइडरमैन ने कभी मुझे धोखा नहीं दिया इसीलिए मुझे पसंद है, आगे सबसे धोखा खाया। ले लो नाम भाई, पोज करें। इससे अच्छी ज़्यादा पोजिंग है, वो पोजिंग नहीं होती, चश्मे में अच्छी नहीं लगते पोजिंग। आपका फेवरेट कलर कौन सा? ब्लैक, माय फेवरेट कैप्टन अमेरिका, गुड यार, चश्मे अगर निकालो ना तो फिर स्माइल अच्छी लगती है, बिल्कुल चेंज है चश्मा पहन, लोग पहचानते ही नहीं। बोल रहे लोगों ने मुझे रोक लिया, बोल के बाहर रोक लिया, आप कौन? मैंने ला रहे बोलते कैसे उतार वाला, अरे ला रहे बेटा क्या कर रहे हो? टर्की व्लॉग, यस यार आई एम वेरी सुस्ट, दैट इज़ द रीज़न आई एम नॉट अपलोडिंग इट, और बाकी मेरे आधे आधे पार्ट तो सबने ही डाल दिए हैं मेरे मोबाइल से ले लेके, तो मेरा देरी नहीं कर रहा आप जो है ना टर्की का ब्लॉग डालने का, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सो इसीलिए मैं शायद थोड़ा सा डिले कर रहा हूँ अपना टर्की का ब्लॉग, क्योंकि मेरे क्लिप्स ऑलरेडी इतने लग चुके हैं, तो मैं मूड में ही नहीं। नाम ले लें मेरा जी किंजा फातिमा, स्टडी कब स्टार्ट करें इस ईयर? जब आप अभी पढ़ना शुरू कर दो, पढ़ने आगे। आपका शो कहाँ लगता है? बोल टीवी पे। हेलो हबीबी, हाउ आर यू? व्हाट्सअप, कैसी है मेरी दोस्त बिल्ली की गोश, माय बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम सऊदी अरेबिया। स्टोरी देखें यार, टू बी ऑनेस्ट मत पूछा करो यार, डू प्रैंक कॉल्स विद एमजे हसन, जी बिल्कुल वो प्लान करा हुआ है, और मैंने एमजे से बात भी करनी है, और हम लोग करेंगे रमजान, सो डोंट वरी रमजान। यार पागल नहीं, मेरा दिमाग ख़राब है जुनैन, जानी गुस्सा नाराज़ ना हो। आप और नबील भाई हैं क्या? हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, मतलब लोगों का सवाल नहीं है यार, मतलब कुछ कुछ अच्छे सवाल होने चाहिए ना इसी बात पे। यार बस यू हैव टू स्माइल, क्योंकि बहुत लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो कुछ लोगों के लिए हम क्यों सबको
ख़राब रखें. सो दैट इज़ द रीज़न आई एम वर्किंग ऑन माई स्माइल अगेन. कि कुछ तो करें. किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार. ऐसी है कमजोरी की वजह से सारे निकल गई हैं बोन्स. तो बंदा देखो अब मैंने इस वक्त कॉन्टोरिंग तो नहीं की थी. फिर देखो प्रॉपर शेप. अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या करूँ, यानी मैं समझता हूँ कॉन्टोरिंग नो कॉन्टोरिंग सर. बाय द वे बट आई मिस दिस लास्ट टाइम व्हेन आई सॉ यू. अब जल्दी से आप ठीक हो जाओ, लाहौर आओ यार इंशाल्लाह. लाहौर आफ्टर ईद इंशाल्लाह. वैसे ग्लासेस में हॉट लग रहा है बड़ी. आई थैंक यू आई. दिल विच गार्डन गार्डन हो गया आपसे पूछे. यू नॉट आंसरिंग मी. जो पूछे फैसल सर और दानिश से दोनों यार अपनी जगह पर बहुत अच्छे. सो ज़्यादा ऑब्वियस बात है दानिश सर ज़्यादा, क्योंकि दानिश भाई फैसल भाई बहुत लाड प्यार करते हैं. तो दोनों मेरे लिए बराबर हैं क्योंकि दोनों और उनको हमारे नाम पता है. ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. इतने बड़े एक्टर्स को हमारे नाम पता है जिनको नहीं जानते. आप जो ऑनलाइन जॉब के लिए बोले उसके बारे में पूछा था, वो मैं सालिक से पूछा. आप लोग लारे अगर आप इग्नोर करो तो आप क्या करोगे यार. मुझे मुझे ना इग्नोरेंस पसंद नहीं है. तो मैं मेरी हड़ी आती है, मैं तो बात नहीं कर रहा. ब्रो सालिक का इंस्टा क्या है? वो मेरी स्टोरी है, मैंने मेंशन किया उसको. किसी का दुख मिले तो ले उधार. आजकल लोग दुख देते हैं, दुख लेता कोई नहीं. देने वाले बहुत मिलेंगे, लेने वाले हज़ार में कोई एक होगा जो आपका बड़ा सगा होगा. पर आजकल बड़ा मुश्किल है किसी के ऊपर ये भरोसा करना. वजूहत ये कि जहाँ आपको लगने लगता है कि ये तो आपका जानू है और वो पीछे से चाकू मार देता है, ये जो है ना दिल पे लगती है ठाकरे. बट ये कि देर आर मैनी पीपल जो आपको बहुत पसंद करते होते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. अच्छा मसला होता है जो सबसे ज़्यादा आपको दर्द देता है ना, वो नहीं करना घुसते हो. और जो आपको संभाल रहा होगा ना, आप कहीं ना कहीं उनको गुस्सा भी होते. ह्यूमन नेचर यार. दानियाल इब्रादा नबील भाई हुए घर में बोला तो यही है मुझे. ट्रस्ट मैं अभी बहुत जल्दी सबसे कर सब पे कर लेता हूँ. मुझे लोगों की पहचान नहीं. वो अपने को किडनैप करके भेज भी दे अपने को पता ही चलता. अच्छा अब ये सीन है कि एक एक इम्पॉर्टेंट बात बताने थी गाइज. अभी क्योंकि कराची में बहुत ज़्यादा ही ड्राई हवा चल रही है, और बहुत ज़्यादा ड्राई हवा चल रही है, और दिन में तो ख़तरनाक गर्मी भी है. तो पहली चीज़ ये कि आप लोग हाइड्रेटेड रहें यार. डिहाइड्रेट होना चाहिए इंसान को. पानी बहुत ज़्यादा पिए. अभी मुझे बहुत प्यास लग रही है बात करते हुए, तो मुझे पानी पीना है. रमज़ान अल्लाह करे, अल्लाह मियाँ हम सब मुसलमानों का आसानी करे. रमज़ान जो है सुकून से गुजरे. होंठ पूरे फट फुट गए, मतलब लाइक गर्मी में भी इतनी खुश हवा है.
पंखा ज़्यादा खोले तो नाक ड्राई होने लग जाता है, जीप सी कैफियत होती है। सो प्लीज़ स्टे सेफ एंड टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, अदर्स विल जस्ट जलाओ योर जान, यू जलाओ योर जान यू विल बी लाइक मी, कमज़ोर, वेरी बैड, वीक। फिर यू ईट बहुत सारा, देन वेरी मेहनत के बाद यू ग्रो एंड देन यू गेट वीक, बिकॉज वैन पीपल यू लव बिट्रे यू आर थ्रू यू गेट वीक। कभी गिलगित गए हो? हाँ 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 हाँ, गिलगित आया हूँ मैं भाई, दुनिया गिलगित भी आया हूँ मैं। और ये गाना सबके लिए जो थोड़े से मायूस अपने अपने घरों पे, और जिनका काम नहीं बन पा रहा है, या कहीं कुछ थोड़ा बहुत फेलियर्स आ रहे हैं, या कोई होते हुए काम नहीं हो पा रहे हैं, या दोस्तियों में खड्डे हो रहे हैं, या आपके घर में आपकी अम्मा आपसे नाराज़ हैं, या आपके साथ कोई बुरा हुआ है, या आप जो पाना चाह रहे थे वो आपको मिला नहीं, तो ये गाना आप सबके लिए। वन साइडेड लव भी देता है, दो तरफा प्यार भी देता है, इट डिपेंड्स। शाहताज को लाइन, शाहताज है नहीं, बासत का बैगल और से आ जाएगा भाई गेम में। सो ये गाना उन सबके लिए जो कहीं ना कहीं थोड़े से मायूस हैं। आप अगर एहसन और अहमद अहमद नहीं, वो लास्ट ईयर की स्टोरीज हैं, दो साल पुरानी स्टोरीज। सर मुझे नहीं आया। तो ये गाना आप सबके लिए जो थोड़े बहुत उदास है, लो फील कर रहे हैं, कुछ भी नहीं होगा, आप ये सुने। स्टोरी ऑफ युगांडा ऐसी बोल देता हूँ मैं यहाँ शुरू से, दिमाग मेरे मुंह पे चढ़ा हुआ तो मैं बोलता रहा। सर लारे डीएम देखें रिप्लाई जी, बिल्कुल प्लीज़ फॉलो बैक कर दें यार। असल में मैं फैन पेजेस पे एक बात करूँ, हमें पता है फैन पेजेस को फॉलो क्यों नहीं करते, क्योंकि मैं अगर एक को करूँगा ना तो बहुत सारे लोग हैं जो इतना प्यार मोहब्बत करते हैं, तो मैं नहीं चाहता किसी एक को करूँ और दूसरा को ना करूँ, नाराज़ हो जाऊँ। तो मैं एक दिन ऐसी सोच रहा था कि मैं एक अकाउंट बना लेता हूँ ऐसी, और उस पर सिर्फ फैन पेजेस को फॉलो करूँ। लाली कोई नई जनरेशन का सॉन्ग लगाओ यार, नई जनरेशन के सॉन्ग में एक ही चीज़ है, मेरे नोटी सैया जी 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 क्यों पीते हो इतनी, भाई मैं पी रहा हूँ मेरी मर्जी, तू मेरी माँ है मुझसे क्यों पूछ रही है, नहीं अगर मैं पी रहा हूँ तो मुझे पीने दे, अगर तेरे को मेरे पीने से मसला है तो छोड़ के चली जा भाई। फिर बनी सिंह बोलते हैं क्योंकि तू है चिकनी, तो चिकनी क्यों बोल रहा है भाई, खुशकी बोल दे खुशकी, भूतनी की बोल दे, दुम्बे के मुंह वाली बोलते चिव तू तू है चिकनी नी नी, तभी पीऊं इतनी नी, क्यों पी रहा उसको देख के इतनी, कौन है वो आपा है दाई है, कौन है कमोट है वो, मतलब जिसको देख के फुफू आता है, धनी भाई क्या कर रहे हो यार, नई जनरेशन को बिगाड़ रहे हो आप बोल रहे हो पीता इतनी क्यों के तू है चिकनी भाई, मतलब क्यों, अगर वो गरीब की बच्ची भूखी होती वो बोलती मैं हूँ भूखी, तो तू क्या पापे देता उसको, मतलब बंदा क्या करे बंदा, अल्लाह ये किस तरह के गाने लिख रहे हैं, अल्लाह हम कहाँ जा रहे, मैं मतलब कौन लिखता है क्योंकि तू है चिकनी, अबे होगी अपने घर की चिकनी, छोड़ दे भाई तू उसको, ये नए गाने अब उनके समझ में नहीं आ रहे भाई, इतने मुश्किल गाने यार, मतलब वो आते हैं ऐ मेरे भाई तुमने आया लंदन में रहती अभी के जब भी जाके पीली टिकट कटा रहा हूँ, ऐ मेरे भाई तुम्हारे मुंह पे लंदन का वीजा कौन देगा भाई, इथोपिया के बादशाह लगते हो तुम,
अब लंदन अपने यहाँ लुंडा इतना दूर होता उसकी टिकट नहीं मिले बाबा, पेट्रोल 112 रुपए लग गया यार, ये कुछ कैसे खाने यार। वो गले गले की दुकान खुले आम में मम्मी को झूठ बोल के चावे के दुकान पे, पापा ने पकड़ा तुझे दारू की दुकान पे, इतना ज्यादा बोलूंगा तो छोड़ो जाएगा, ध्यान दे भाई। ध्यान दू तो मैं अपनी पढ़ाई पे दू, नहीं मैं ध्यान दूं तो मैं अपने काम पे दूं, मैं ध्यान दूं तो अपने मोबाइल पे दूं, अपनी पढ़ाई पे दूं, तेरे पे मैं दारू पे कौन ध्यान देता है यार। एंड इट इज हराम इन पाकिस्तान, यू नो मुसलमान ड्रिंक अल्कोहल, अस्तग़फिरुल्लाह जहन्नुम, कोड़े कोड़े ऑन द बम, ऑल रेड यू मुसलमान शदीद अंत रुअफ़ज़ा कुल जन्नतुल फिरदौस, यू ड्रिंक अल्कोहल कोड़े खतरनाक को, लाल माहौल है एवरीबॉडी ठपा ठपा अंदर, डोंट डू इट लाइक दिस ब्रो, दिस इज द प्रॉब्लम इन दिस कंट्री यू नो। नाउ न्यू सॉन्ग, ओह माय गॉड मी, नो 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 बेबी नो, दिस इज द यू आर इंग्लिश सॉन्ग, इंग्लिश सॉन्ग वेरी गुड, hearing your song because I'm happy and alone, there's something, yeah, yeah, English song, lyrics understand, coming slow, Google help, and then we understand English song is the country Pakistan, living in the burger, SoundCloud, 123 YouTube, and it's a mazaak hai, kya bandan hai gaane sunne, क्या गाने थे, एक बात कहूँ दिलदारा तेरे इश्क ने हमको मारा, टन नन 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 टन नन टन नन, आजकल का गाना दिलबर दिलबर है, दिलबर दिलबर होश ना खबर है, ये के जब तेरे को ना होश है ना खबर है तो तुझे असर कैसे हुआ, नहीं मतलब तुझे असर हुआ कैसे, नहीं पागल की बच्ची असर कैसे, जब ना होश ना खबर है ये कैसा असर, असर तो जब हो ना जब तू होश में हो, नहीं असर है नहीं, और मतलब तो इसीलिए मैं बोलता हूं सीरियस बात, इंसान भी क्या चीज है, एक में वफा नहीं और दूसरे को वफा की उम्मीद है, इंसान भी क्या चीज है, दानिश सर ने सही कहा था, बंदा एक मिनट के लिए चुप नहीं रहता, एक मिनट से यार उन्हीं से सीखा हूँ भाई, उनकी गाइडलाइन। आप लाली शादाज बराज बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, लश मेरी मम्मा को बहुत पसंद, जजाक अल्लाह जी, लारे आपका आपकी हाँ हो रही है वो मेरी, लारे भाई आपके लाइव भी 1000 से भी कम हो गए, कोई मसला ही नहीं जानी, देखो मैं बता देता हूँ शुरू से ना, और एक तो पहली बात है कि 4 बज रहे हैं, दूसरा ये कि 4 बजे इस शक्ल को देखना कोई पसंद नहीं करता, रात के 4 बजे बंदा अच्छी चीज़ देखे, नोबडी डज इट बेटर, मतलब कितनी चीज़ें भी देख रहे हैं तो इस शक्ल को ही देखता है 4 बजे, मैं 4 बजे 1000 लोग भी देख रहे हैं तो मेरे लिए बहुत है, क्योंकि आई ऑलवेज बिलीव ऑन क्वालिटी ओवर क्वान्टिटी, और अगर हम शाम में आते हैं जब 4-5 हज़ार लोग भी देखते तब भी जो है ना मतलब हैप्पी। वाजिद भाई भी आ गए, तो वाजिद भाई मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा था, हम पुराने और नए गानों पर तबसरे कर रहे थे कि हनी भाई ने बोला मेरे नोट इतना जी 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 क्यों पीते हो इतनी, क्योंकि तू है चिक चिकनी, वाजिद भाई अगर वो चिकनी है तो भाई तू क्यों पी रहा इतनी, तो मेरा कहने का मकसद है अगर वाजिद भाई वो सूखी होती तो क्या उसको नाशपाती गिफ्ट देता, नहीं क्या करता मतलब, वाजिद भाई आप मुझे बताएं, देखें क्या गाना है मतलब ना, वो एक गाना है वो जवाब मुँह से निकल गया, जवाब वो कौन सा गाना गा रहा है मैं, जवाब हाँ वो ध्यान दे, बहुत मुश्किल गाने आजकल के यार, मतलब इंग्लिश गाने यू नो ऑल साउंड क्लाउड सर्चिंग टॉप इंग्लिश सॉन्ग प्लेइंग इन द गाड़ी लुकिंग बर्गर्स एंड यू नो गूगल सिंगिंग, योर प्रॉब्लम इज पाकिस्तानी शिट, इंडियन गाने नॉट हैपनिंग ब्रो नाउअडेज, वेरी ये दिस गाने इज गुड, माई मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, अब नया गाना है वो मिसिंग दिस सॉन्ग न्यू सॉन्ग दिस यू नो दैट भाई वो मैं आई टोल्ड यू अभी जाके पहले टिकट कटा रहा हूँ टैटे टैटे टैटे, अबे मतलब तू इतनी जल्द अगर अभी जाके पहले टिकट कटाएगा नहीं पासपोर्ट पे थप्पा तेरा बाप लगवाएगा, लंदन का है कौन सा मुल्क है पाकिस्तान और इंडिया जिधर से लंदन की टिकट डायरेक्ट मिल जाएगी, आप बस लोगे टिकट और घर जाओ, नहीं मतलब लुंडा की टिकट समझ में आती है, इंडिया में लुंडा का कुछ और नाम होगा मुझे नहीं पता, पर पाकिस्तान के हिसाब से बोल रहा हूँ कि लड़की को देखा बोला
सुनने में आया टिकटॉक पे देखा है, सुनने में आया तू लंदन में रहती, अभी अभी जाके पीली टिकट कटा रहा हूँ। टिकटॉक 15 सेकंड की तो बना ली गई थी बावले के बच्चे, नहीं मतलब टिकट के पैसे कहाँ से लेगा पहले बात तो ये, दूसरा तुम्हारा बाप पासपोर्ट लेगा, डॉक्यूमेंटेशन देनी होती, NIC FCR RC सब देना होता है, मतलब गैस का बिल, KCSE का बिल, आपका स्टेटमेंट, ये देगा तो लंदन की टिकट मिलेगी, वरना लुंडा वाले भी चमाट मार के भगाएंगे तेरे को, समझा। इस तरह की बातें ना करो भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है शकुर भाई। और जो है ना आवारा हूँ तेरे, प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। और अब ये गाना था, अब वो आ गया, कुत्ती मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, नहीं कुत्ती मोहब्बत थी भाई तो क्यों अंगड़ाई ली तूने, नहीं किसी नाशपति की शक्ल वाले कुत्ती मोहब्बत के पीछे तुम रुल गए, लसन लग गए तुम्हारे। फिर पता लगा बर्गरों को गूगल करने के बाद के गाना था, कुत्ती मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, अगर आंख नहीं उठती तो आंखें बंद करके भी तो अंगड़ाई ले सकते हो, आंख उठाना जरूरी था, ऐसी ले लो आंख उठी, मतलब इतने लश्कारे कौन मारता भाई, व्हाट द फक इज हैपनिंग इन द कंट्री। फिर पता लगा ये गाना तो नुसरत भाई का था भाई, कुत्ती मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, तो अरिजीत भाई ने छाप लिया, मतलब हमारे नुसरत भाई ने उसको इतना मजे का सा सा मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, उन्होंने हल्के से गा लिया, मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, देखते क्यों भाई क्यों चीटिंग कर रहे हो, हमारी घर में बाप भाई नहीं है, माँ बहने नहीं है, सालो अब तक नुसरत भाई गाने चोरी कर रहे हो, उनको जमाना हो गया गुजरे हुए, मतलब वो अभी तो लिरिक्स लिख रहे होंगे कोई ना कहीं बैठ के, मतलब अगर आप उसके भी गाने चोरी कर रहे हो 2021 में लानत तुम्हारी जिंदगी में, भले डूब के मर जाओ किसी के राष्ट्रपति के बोले। मैं गाने भी नहीं मिलने टीवी पे, बैक करके देखने पड़ेगा, बात खत्म हो रही है, और कौन से गाने का बेला गरक करूं, समझ नहीं आ रहा मुझे, इधर कुछ तो आए अल्लाह, ये नया गाना है, देखो ये चरिया बनाना लगा है, ये गाना जो है ना पूरे मुल्क को चरिया बनाया इस गाने ने, और सबने एंजॉय करा, अपनी मेहंदी और शादियों में बजाया, इस गाने का मतलब था आपका कटेगा, ठीक है मैं आपको गाना सुना। Yeah.
पाकिस्तानी गाना ना, ये मैं गाना गाऊंगा, ये गाना अबुन गाया है। चलो सो गाइज, थैंक यू सो मच, आई एम सॉरी मैंने आप लोगों को रात में आके बहुत ही ज़्यादा ठंडी चूसों से नुकसान दिया, एंड आई एम सॉरी अगर आप लोगों को मेरी कोई बात बुरी लगी हो। तो इसी के साथ लारे को दीजिए इजाज़त। सीन्स ये हैं कि सोचा सब जागे ना, थोड़ा बहुत कुछ उल्टी सीधी हरकत करके आप लोगों को खुश कर सकूँ। कुछ लोगों को खुश किया होगा, कुछ लोगों को लग रहा होगा पता नहीं क्या पागल हो गया, कुछ लोग न्यूट्रल होंगे, हाँ देख रहे हैं कि टाइम पास हो रहा है, कुछ लोग गालियाँ दे रहे होंगे, वह चलिया कुत्ता कमीना। सो खैर है मिक्स ड्रेस, देखा गाली दिया। सो वी कांट से एनीथिंग टू एनीवन, इट्स ऑल अबाउट जजिंग। जो कुछ भी हो सकते हैं, लोग तो कुछ भी बोल सकते हैं, लोगों का काम है कहना और हमारा काम है काम करते रहना। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। गाली आउट, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, हमें दुआओं में याद रखिएगा, सबको अल्लाह सबको कामयाब करे, आपको भी कामयाब करे, आपके अम्मी अब्बू का साया आप लोगों के सर पे हमेशा सलामत रखे, एंड प्लीज स्टे हाइड्रेटेड क्योंकि आजकल ड्राई कप चल रहा है एंड कोविड है, तो प्लीज़ डू टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें, अल्लाह सबको कामयाब करे, सबकी ख्वाहिशें पूरी करे और सबको बहुत बहुत